तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद माल फंक्शनिंग कर रहा है, और यहाँ पे इसकी जो फ्लेम है ये भी सारी अभी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। हाय, मेरा नाम है परवेश यादव और ये है मेरी भाभी प्रिया यादव। कुछ दिन पहले हमने Amazon Basics का कास्ट आयरन वोक पैन ऑर्डर किया था, बट मेरे कुछ सवाल हैं। ये देखिए, Amazon कह रहा है कि इसके ऊपर नॉनस्टिक कोटिंग है, पर कस्टमर क्वेश्चंस में अगर हम सर्च करें तो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर नॉनस्टिक कोटिंग नहीं है। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि इसके ऊपर नॉनस्टिक या टेफ्लोन की कोटिंग ना हो। तो इसके लिए हम इसको अनबॉक्स करेंगे। और ये देखिए, Amazon ने लिखा है कि इसको हर तरह की कुकिंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं। स्टोव टॉप भी है, ओवन भी है, बारबेक्यू भी है, लेकिन कहीं पे भी इंडक्शन का जिक्र नहीं है। और कस्टमर क्वेश्चंस में मिक्स्ड आंसर है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हाँ, इसको इंडक्शन पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये कास्ट आयरन का है, इसको इंडक्शन कुकर पे नहीं, सिर्फ गैस स्टोव और नेचुरल फायर पे यूज करें। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद हम इंडक्शन पे ही यूज करके देखेंगे और इसके ऊपर मूंगफलियों को गर्म करके देखेंगे। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। चीज मेरे को लगी कि इसके ऊपर जो Amazon Basics की पैकिंग आती है वो नहीं आई, ये अलग सा ही एक नॉर्मल कार्डबोर्ड है। काफी भारी है ये तो, सच में बहुत भारी है। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ये इन्होंने दो सिलिका जेल दिए हैं और साथ में ये एक यूजर गाइड भी दिया है। अगर हम इसके ऊपर ऐसे टच करके देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई कोटिंग की गई हो, और इसके पीछे Amazon Basics की ब्रांडिंग भी दी हुई है। अगर बात करें इसके हैंडल्स की तो लिखा हुआ था कि इसके हैंडल्स बहुत ही कन्वीनियंट एंड इजी टू लिफ्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल हैं और सेम पीस ऑफ कास्ट आयरन से ये बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गर्म भी होंगे। फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले इसको एक बार गर्म पानी से धोना है और उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो चलिए पहले इसको गर्म पानी से धो लेते हैं, उसके बाद फिर इसको यूज़ करके देखेंगे। अब मैं गर्म पानी डाल के इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद पोंच के यूज करूंगी। हमने एक बार वॉश कर लिया, अब मैं इसको दूसरी बार वॉश कर रही हूँ। तो अब हम इसको इंडक्शन पे यूज करके देखेंगे। ये देखिए, इसका जो बेस है ये इसके हिसाब से, इसका डायमीटर आपको दिख रहा है, ये इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हम इसको इसके ऊपर ही यूज करके देखेंगे। पहले इसको पोंछ लेते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जो कोटिंग है उसकी वजह से पानी इस पे चिपका नहीं है। तो भाई, ये है अपनी कास्ट आयरन वाली कढ़ाई, ये है हमारे पास 2 किलो नमक, और इसमें हम ये भून के देखेंगे, मतलब गरम करके देखेंगे, लगभग 250 ग्राम मूंगफली। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर मेटल की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, इसलिए मैं ये वुडन यूज़ कर रही हूँ। तो भाई, ये देखो, ये प्रिया की कलाकारी है, इसने 10 मिनट लगा के और ये लगाई हैं, और मुझे इसको बिगाड़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब मैं सारे इसमें डाल देता हूँ, इससे पहले मैं खुद ही बिगाड़ दूंगी। अब सारे इसमें डाल के और फिर हम इसको इसमें गर्म करके देखेंगे। यूज़ हो रहा है आराम से, इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी अभी तक। तो अब इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यार, इसके बीच में ही अगर मैं देखूँ तो ये देखो, नीचे से
ये स्मोग निकल रही है नीचे से ये, और बहुत बेकार सी स्मेल भी आ रही है। मुझे नहीं पता ये नीचे से प्लास्टिक है या क्या चीज़ है। कैसा निशान हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लास्टिक है, क्या है ये, जल गया है। और ये इंडक्शन भी देखो कैसा हो गया है इस जगह से। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। पहला डिसअपॉइंटमेंट मुझे तब हुआ था जब उसके ऊपर मैंने देखा कि इसके ऊपर कोटिंग है। और दूसरी चीज़ जो नीचे से इसके अंदर से इसे स्मोक निकली, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम इसको इंडक्शन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको गैस पे ही करना पड़ेगा। ये देखिए बार बार रुक रहा है और उसके बाद फिर चलने लग रहा है। मुझे लगता है कि इसने इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट क्रिएट कर दिया है। ये देखिए हमने सोचा था कि हम इन मूंगफलियों को इंडक्शन के ऊपर रख के और फिर गर्म करेंगे, लेकिन इंडक्शन के ऊपर रखा तो नीचे की तरफ से यहाँ से स्मोक निकलने लगी और धुआँ जैसे प्लास्टिक जलता है उसके जैसा। और तो अब हम इस चीज़ को यहीं पे रोक रहे हैं और जो ये मूंगफली है इसको हम अब चूल्हे पे करेंगे। जो उन्होंने लिख रखा है कन्वीनियंट एंड फ्रेंडली हैंडल, तो इसके हैंडल भी गर्म हो जाते हैं, वो तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर कुछ लकड़ी का हैंडल वगैरह कुछ देते तो शायद बात बन सकती थी। और अभी जब हमने इन मूंगफलियों को इस स्टोव के ऊपर रख के भूनने की, गर्म करने की कोशिश की, तो थोड़ी देर के बाद ही इसकी सारी ये जो फ्लेम है ये भी येलो हो गई है और हाँ यहाँ से भी स्मेल आ रही है। तो इसके बाद मैं ये जो अमेज़ोन की कास्ट आयरन कढ़ाई है, इसका जो वोक पैन है, इसे किसी को रेकमेंड नहीं करता। इसकी वजह से ये इंडक्शन जो है माल फंक्शनिंग कर रहा है और यहाँ पे इसकी जो फ्लेम है ये भी सारी अभी येलो हो गई है। मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है ये किसी को रेकमेंड नहीं करता, बाकी आप देख लेना। और 10-15 मिनट के बाद जब ये जल गया इसके ऊपर जो लगा हुआ था, तब इसकी फ्लेम वापस नॉर्मल हो गई है। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद नीचे से इसकी ये जो लेयर है या ये जो कोटिंग थी, क्या थी मुझे नहीं पता, ये उतर चुकी है। और बैक साइड से भी अगर मैं दिखाऊं तो जहां से ये जली हुई थी वो जो धुआं निकल रहा था वो जगह भी अलग ही आपको दिख रही है। ये लाइट की वजह से नहीं है, ये देखिए आपको ये जगह आपको अलग ही दिख रही होगी। और अंदर की तरफ से भी ये इसकी कोटिंग उतर चुकी है फर्स्ट यूज़ में ही। ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट।